तेरा सपना तेरा सच्चाई से मेल खाना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जोहर। दोस्तों, विजय देवरकोंडा फाइनली बॉलीवुड में एंट्री करने वाले हैं अपने अर्जुन रेड्डी, और जब से अर्जुन रेड्डी फिर कबीर सिंह रिलीज हुई तो विजय देवरकोंडा के लिए तो एक अलग तरह का बज़ बना हुआ है। मतलब सिर्फ साउथ में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड ऑडियंस भी उनका वेट कर रही है कि वो पर्दे पर आएंगे और धमाल मचाएंगे। तो अब दोस्तों एक और खुशखबरी सामने आई है, उनकी फिल्म से एक और नाम जुड़ चुका है। इससे पहले विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे तो फाइनल थी ही, और ये एक बॉक्सिंग वाली फिल्म है तो करण जौहर ने अपना दिमाग लड़ाया और क्यों ना उन्होंने सोचा कि कोई बड़े स्टार बॉक्सिंग स्टार को इसमें एंट्री दिला दे। तो अब इसमें बॉक्सिंग सुपरस्टार जो कि इंटरनेशनल सुपरस्टार है माइक टाइसन, उनकी एंट्री इस फिल्म में हो चुकी है। एक वीडियो क्लिप भी शेयर किया गया है जिसमें कि माइक टाइसन के बारे में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है लोगों को, और कहा जा रहा है कि हमको बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि इंडियन स्क्रीन पर हम माइक टाइसन को लेकर आ रहे हैं, और जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की थी, ये अनबीटेबल आइकन है और हम बड़े खुश हैं कि हमारे इस प्रोजेक्ट के साथ माइक जुड़े। इसके अलावा दोस्तों विजय देवरकोंडा ने भी ये क्लिप शेयर किया है और अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने लिखा है कि हम आपसे वादा करते हैं तो कि एक पागलपन एक स्क्रीन पर लेके आ जाएंगे और आपको बहुत अच्छा सिनेमा हम दिखाने वाले हैं, ये हमारा वादा है। माइक टाइसन के वेलकम में उन्होंने कहा कि हम बड़े खुश हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें, ये पहली बार नहीं हो रहा है जब माइक टाइसन को अप्रोच किया गया किसी फिल्म के लिए। इससे पहले वो गेस्ट अपीयरेंस कर चुके हैं 2007 में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म फूल एंड फाइनल में। इस फिल्म में सनी देओल, शाहिद कपूर, जैकी श्रॉफ और सुनील शेट्टी जैसे कलाकार थे, और इसमें माइक की छोटी सी झलक ने सभी को दीवाना बना दिया था। अब लाइगर जो कि एक बॉक्सर बेस्ड फिल्म होने वाली है उसमें भी माइक है तो चार चांद लग जाएंगे। आपको बता दें, इस फिल्म को पहले सितंबर 2020 में रिलीज़ किया जाना था लेकिन पैंडेमिक की वजह से ऐसा नहीं हो पाया, और अब इसकी जो रिलीज डेट है वो आगे बढ़ा दी गई है। कहा जा रहा है कि इस फिल्म को जल्द ही रिलीज़ किया जाएगा और इसे हिंदी, तेलुगू, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज़ किया जाएगा। मतलब कि विजय देवरकोंडा की पहली पैन इंडिया फिल्म बन जाएगी। इसी के साथ अनन्या और विजय पहली बार स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हैं लाइगर के लिए, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को।